वो लगा रहे हैं सीख में, ये क्या चीज है? ये यही मुर्गा। अच्छा मुर्गा। के बाद में हमारे दादा आए थे मेरठ से। अच्छा मेरठ से लगे हमारा माशाल्लाह पे ताका लगाते थे। अच्छा ताका लगता था। अच्छा वो कैसे लगता था? अच्छा, पहले दही हमने डाली है, मक्खन अपने स्टैंड में कुछ नहीं था। कबाब में दही डालने वाले सबसे पहले आप हैं? आप है, कोई कबाब वाला नहीं था यहाँ, कोई कबाब वाला नहीं था। दूर दूर राणा कोई चंगी गल नहीं, आशिकानू तरसाना कोई चंगी गल नहीं। तो भाई हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की हमारी मुहिम जारी है। इस मुहिम में रोज नए नए जायके नए नए स्वाद लेकर आते हैं। हम कहां पर हैं? जामा मस्जिद के सामने है और यहाँ पर चिरागुद्दीन साहब के हाथ के कबाब बड़े ही ज़्यादा फेमस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चौथी पीढ़ी यहाँ पर ये कबाब बना रही है भाई साहब। और देखिए शानदार तरीके से भाई यहाँ पर बना रहे हैं। और ये इनके वालिद साहब हैं चिरागुद्दीन साहब, जो कि बनाते हैं। चिरागुद्दीन साहब कैसे हैं आप? सही है अल्लाह का। सब ठीक है? ये बताइए कब से कर रहे हैं आप ये काम? बचपन से कर रहा है। बचपन से? आपके वालिद साहब से शुरू हुआ, दादा से शुरू हुआ? हम तो दादा के पास थे, वालिद साहब तो लगता है। अच्छा दादा ने ये काम शुरू किया था यहाँ पर? यहाँ पे नहीं जावा होता बद्दी मारे अंदर, यहाँ तो अभी लगाया था, जा जब नहीं हुआ। अच्छा अच्छा दादा बद्दी। अच्छा शुरुआत कहाँ से करी? बल्ली मारान कर दी, कुपवाड़ी। अच्छा बल्ली मारान बेचते थे आप? अरे वाह, तो शुरू से ये काम करते हैं आप? अच्छा तो यहाँ क्या क्या लगाते हैं आप? कबाब है, टिक्का है और चिकन टिक्का है। अच्छा तो एक चिकन टिक्के प्लेट कितने की होती है? 50 रुपए की। 50 रुपए की हमें खिलवाएंगे एक चिकन टिक्के की प्लेट? खाइए आप। ठीक है आपका क्या नाम भाई? नाम रेहान साहब है। रेहान, तो यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ से कलकत्ता से, केरल से करने आते हैं लोग खाने पीने अपना। तो माशाल्लाह हमारा उनको टेस्ट बहुत अच्छा लगता है उनको माशाल्लाह, और तारीफ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जायका ही लगे हमारा माशाल्लाह। ये तो हमारी बहुत चलती हैं, अल्लाह का शुक्र है। मेहरौली गए, कभी यूपी साइड गए। अच्छा कैटरिंग वगैरह भी है? कैटरिंग सब कुछ तो होता है हमारा। बहुत बढ़िया, हर तरह के कबाब और टिक्के जो है तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भैया आजादी के बाद ही है। अच्छा 1947 के बाद में हमारे दादा आए थे मेरठ से। अच्छा मेरठ से? मेरठ से आए थे, उन्होंने काम चालू करा था। उन्होंने काम चालू करा था, उसके माशाल्लाह काम था, काम जितना दे गया कई जगह में दिया जगह बाकी बदली माल में पहुँच गया। बदली माल में माशाल्लाह उनका काम सही था। नाम तो उनका मीनुद्दीन कबाब वाले, मीनुद्दीन कबाब वाले। और कबाब पे ताका लगाते थे, अब ज्यादा बजे आगे चल रहा है, कबाब पे ताका लगता था। अच्छा ताका लगता था। अच्छा वो कैसे लगता था? वो दादा अलग बनाते थे, ताका लगाते थे। अच्छा हमारे दादा बताते थे यहाँ कोई कबाब वाला नहीं था, यहाँ कोई कबाब वाला नहीं था, एक नंबर के। अच्छा जितने में कबाब वाला है सब बात की बताते हैं। सबसे पुराने कबाब वाले आप हैं? एक दो दिन उड़ते कबाब वाले, जैसे अब्दुल्ला आते हैं, हमारा नाम अब्दुल्ला के एक अब्दुल्ला थे, एक हम थे, एक दो दिन कबाब वाले थे उस टाइम पे। एक तो कल्लू कबाब वाले था, एक कल्लू कबाब वाले थे, एक मस्जिदा था, कुछ लोग थे, कुछ लोग थे उनके साथ। पाकिस्तान चले गए और वो ये भी बताते हैं कि कबाब में सबसे पहले दही हमने डाली है, मक्खन अपने स्टैंड में कुछ नहीं था। कबाब में दही डालने वाले सबसे पहले आप हैं? आप हैं। तो भाई साहब ये वो परिवार है यहाँ पर पुरानी दिल्ली का। देखिए कितनी शानदार तरीके से भाई यहाँ पर जो है वो लगा रहे हैं सीख में, ये क्या चीज़ है? ये यही मुर्गा है। अच्छा मुर्गा है ये। चिकन कबाब लगा दिए, चिकन टिक्का लगा दिए, सब होता था हमारे पास। 3-4 बजे का टाइम है, 3-4 बजे से। और रात में कब तक था? 10 बजे तक। रात के 10 बजे तक छुट्टी भी करते किसी दिन की? छुट्टी नहीं करते। बहुत बढ़िया। और जहाँ पर हम मौजूद है सबसे ज़्यादा पुराने लोगों में इनकी गिनती होती है। देखिए छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है, ठेला लगा हुआ है भाई का यहाँ पर, और इस ठेले पर गर्मा गर्म कबासी कबाब टिक्का सब चीज़ें लगती हैं। अब इसका स्वाद और जायका लिया जाएगा और यहाँ पर रेडी हो रहा है, दूर दूर से लोग आते हैं बात कर ले। भाई साहब क्या हाल है? बहुत बढ़िया भैया। कैसा स्वाद? बहुत बढ़िया। सही बात, बिल्कुल जवाब नहीं। हाँ जी अच्छा है। बहुत बढ़िया। क्या क्या खाया? और टिक्के। गाय में पड़ती हो दादा का जन्म चले आ गया। सिक्स क्या नाम है? नाजबी। पर देखते ही मुँह में स्वाद आ गया। आई ये टेम्पर गिलास लगवाइए 30 रुपए में। आई ये टेम्पर
क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भाई ये जो है प्लेट आ चुकी है और इस 50 रुपए की प्लेट है और इसका स्वाद देखिए, पीछे जो व्यू आ रहा है वो शानदार, दिल्ली की जामा मस्जिद का। और अब इसका स्वाद लिया जाएगा, जायका लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा दिल्ली के, पुरानी दिल्ली के हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड में चलवा है कि नहीं है। भाई साहब खुशबू आ रही, जो एरोमा आ रहा है कोयलों की, एक अलग सी महक आ रही है, ज़बरदस्त आ रही है भाई साहब, बड़ा डिलीशियस है। और चटनी भी भाई ने डाली है, प्याज डाला है, अलग ही लेवल है उसका। वाह बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल बर्फी हो रहा है, क्या बात है, अलग ही टेस्ट है भाई, वाह भाई वाह, सुपर है भाई। तो हमारी मूवी में आप जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, स्वाद लाजवाब है, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, जय हिंद।